रखा इन्होंने मुझे, मेरा हाथ ही क्या हथौड़ा है, बस लगी रहूं लगी रहूं लगी रहूं, इसको करती रहूं करती रहूं, हद हो गई इनका साग से, तो मैं वाकई में परेशान हो गई बहुत ज्यादा। बनाएगी घोटे के बता रही हूँ मैं, कुकर की कुकर की सीटी मत लगा, मैं जा रही हूँ, मुझे तो घोटा हुआ पसंद है साग। A few moments later. ये बता मुझे जी काकर रखो तेरे ब्लेंड कर दिया है, हाँ ये भी और टमाटर भी, मैं तो अब ऐसे करके फ्राई कर दूंगी जी। कहा मिक्सिंग में का पीस रखो अभी, आ जाओ लहसुन और जी टमाटर एक डाल दो, है साग में पीस रखो डाल दो, काट के डालते हैं बहू तो ना पता क्या किया है बुआ, ये मैंने नहीं काटे, हाँ काटने में मेरा टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा, प्याज को और लहसुन को काट काट के रखती हूँ, चाकू से मेरी बस्ती नहीं। कैसी काम करते तुम, वो तो समझ ना आते, छटपट के काम करते तुम्हारे तो आजकल की बहू के, काट के डाल टमाटर काट के डाल प्याज काट के डाल लहसुन काट के डाल और क्या बड़े स्वाद बनते हैं, और कैसे तुमने तो छटपट मिक्सी में पीसो और धद्दा और बनाए दो। ये क्या बात हुई बुआ, इसमें भी तुम चला रही हो, बताओ हद होगी क्या हो गया, आपको तो साग टेस्टी मिलेगा ना, और बताओ हद करेगी काट के रखूं काट काट के, यानी तुम्हें ये चाहिए पुराने तरीके से हम लोग काम करते रहे ताकि वो काम घंटों बर्बाद हो और टेस्ट भी ना आए, अब इस तरीके से हम करते हैं अच्छा टेस्ट भी आता है लेकिन तुम्हें हमेशा कमियां निकालने की तो आदत बन चुकी है। जमाने की बात कर रही है, पुराने जमाने में कितना स्वाद खाना बनता है, चूल्हे की रोटी चूल्हे पे बनता हो खाना, है आजकल को तो पता समझ में ना आता है, छटपट काम करते हैं, पुराने जमाने में बहुत बढ़िया खाना खाता हूं हम, कभी बीमार ना होते, आजकल तो नया खाना खाओ और दूसरे दिन बीमार रह जाओ, जानो कैसे खाना बनते हैं। जब तक तुम कमियां नहीं निकालोगी तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी रात को। चुप जा, बात बना रही है, कमियां निकालता हूं, है कमियां नहीं होगी, कैसे काम करते तुम झटपट, तुम्हें तो जल्दी को काम करना होता है कि नहीं जल्दी सब्जी छौकी बन गई आधी कच्ची पच्ची रोटी बनाई, बनाओ काम कर दो और निकल आई। ए भगवान, ये साग और ये सर्दियां दोनों का वाकई में बहुत मेल जोल हो गया है, हर जब भी सर्दियां शुरू होती हैं ये हरी सब्जियां, मेथी लो पालक लो सरसों लो भतुआ लो और सारे हमारे सर पर आकर बैठ जाती हैं, रियली बता रही हूँ, ये सर्दी और ये हरी सब्जियां तौबा तौबा। फाइनली आखिर खाना बन गया है, हाय राम नमक काय काय कर रखी है, जब से साग बना दे साग बना दे। बुआ ओ बुआ काय रे चो चिल्ला रही थी जी, ये लो खाना बन गया आपके लिए, ठीक है मैंने साग आपके लिए बनाया है, तो ले आ बनेगा तो, और मैं तो बहुत जोर की भूख लग रही है, कितना देर रहेगी बनना हुआ अभी बनना हुआ, जा ले तूने कहा बना हुआ है साग तो बनाया हुआ है, और जो दूसरी सब्जी कहा बनाई है तूने। बुआ ये मटर पनीर बना लिया था क्योंकि ये घास फूस हमसे तो खाई जाती है रोज रोज, एक हफ्ते में पूरे 7 दिन होते हैं, 6 दिन तुम हरी सब्जी बनवाती हो, पका दिया तुमने सर्दियों में, मुझे वाकई में बता रही हूँ, मटर पनीर मैंने अपने लिए बनाया लेकिन मैं आपके लिए भी ले ही आई, आके टेस्ट कर लोगे आप भी, लो खाना लो जल्दी खा लो, और ये बाजरे की रोटी जो आपने मुझे बोला था बाजरा बनाना, बाजरे की रोटी बन चुकी है और अब इसे खा लो गर्म गर्म, ठंडा हो जाएगा तो मैं दोबारा से गर्म नहीं करूंगी, ठीक है। घास फूस हरी सब्जी है तो ना पता कितनी अच्छी होती है सर्दी में, और क्या और खूब ताकत मिलते हैं हरी सब्जी में, कह रही है घास फूस ले आ खाना, ए तूने बाजरे की रोटी बनाई नहीं है, तू बना लेते हैं और क्या, ला ले भूख लग रही है, ले आ ला भूख लग रही है मोहल्ला, ओ तूने बाजरे की रोटी बनाई रही है भाऊ, बहुत बढ़िया बनाई है, खूब खुशबू तो खूब अच्छी आ रही है, अरे भाऊ तूने घी डाल दो शाम में, ये देखने तो बहुत स्वाद अच्छा लग रहा है, खावे में देखूं कैसा लग रहा है, ढेर सारा घी डाल दिया मैंने इसमें, अरे भाऊ बहुत स्वाद बना हुआ है तुम तो साग, बहुत बढ़िया बना हुआ है, अच्छा अच्छा बनाया बुआ, चलो फाइनली आपने मेरी कम से कम तारीफ तो की, आप तो तारीफ बिल्कुल ही नहीं करती हो, हाँ चाहे हमेशा मेरी कुरेत की बुराइयां निकालती रहती हो तो। अरे बहू जी कैसे तुमने रोटी बनाई रही है, वो तो कच्ची लग रही है बाजरा की, है कच्ची रोटी सी लग रही है और का, हाँ बाजरे की रोटी कच्ची बनी है, क्या बात कर रही बुआ, कच्ची तो नहीं बनी, मैंने तो अच्छी तरह से की है, अब बहू तू ना कच्ची बनता गैस पे, हाँ तू एक काम करा कर चूल्हे पे बनाया कर जे बाजरे की रोटी, हाँ मैं बहुत अच्छी लगता है, ऐसा है ना बुआ चूल्हे पे तो मेरे से बनती नहीं है, अब तुम कह रही हो कि चूल्हे पे बनाया कर, ऐसा है चूल्हा ऊपर रहा कर ऊपर छत पे रहा और लकड़ी भी ऊपर पड़ी है, नहीं होगी तो मैं मंगवा दूंगी, खुद ही जाके बाजरे की रोटी चूल्हे पे बना लेना, मेरी बस की तो है नहीं कि मैं जाके चूल्हे पे बनाऊं रोटियां, ऐ बस की ना का बात कर रही है, मौत कह रही है मैं बनाऊं जाके, है तू का करेगी, तू रील बनाएगी बात बना रही है, चुप रह इतना भी कर लो बुआ के लिए, आके हर चीज में लुक्स निकालना है, अब साग अच्छा बन गया इनका तो अब कह रही है कि बाजरे की रोटी कच्ची बना दी, हद हो गई, कितना भी कर लो ये तो खुश हो ही नहीं सकती है, बहुत हो गया, खाना बहुत स्वाद बना हुआ है बताई हूँ, हाँ लेकिन मैं बता रही हूँ आजकल की बहुएं की तारीफ मत कराया करो, सर पे चढ़ जाते हैं जी बहुएं आजकल की, और क्या जिन्हें तारीफ कर दो तो मैं उड़ेंगी तो भैया बिन के सामने मत तारीफ कराया करो, बाकी मैं एक बात बता रही हूँ, बहू ने खूब बढ़िया मलुक बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, बहुत स्वाद को बना हुआ है, सही बता रही हूँ।